नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नोपॉप 5 प्रो वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A4 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 6.49 इंच जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 2.99 इंच जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पॉप 5 प्रो में IPS LCD जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 6.52 इंचेस जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पॉप 5 प्रो में 81.94% जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 80.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पॉप 5 प्रो में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और सैमसंग गैलेक्सी A4 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और सैमसंग गैलेक्सी A4 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी A4 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पॉप 5 प्रो में पावर GE8300 जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में माली G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पॉप 5 प्रो में मीडियाटेक हीलियो और सैमसंग गैलेक्सी A4 में सैमसंग एक्सिनोज 850 मिलता है। बात करें रैम की तो पॉप 5 प्रो में 3 GB जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 4 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पॉप 5 प्रो में 32 GB जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 64 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पॉप 5 प्रो में अप टू 256 GB जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पॉप 5 प्रो में एंड्रॉइड V11 जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पॉप 5 प्रो में 6000 mAh जबकि सैमसंग गैलेक्सी A4 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पॉप 5 प्रो 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹8,360 में मिल जाता है और बात करें सैमसंग गैलेक्सी A4 की तो वो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹13,499 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो पॉप 5 प्रो में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A4 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पॉप 5 प्रो आगे है,
मेन कैमरा में सैमसंग गैलेक्सी A4 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में सैमसंग गैलेक्सी A4 आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 9 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 8C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।